हमने सीखा। एक, उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो तथा एक बंद आकृति बनाता हो वृत्त कहलाता है। दो, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तीन, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। चार, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पाँच, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। छः, तीन असमरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। सात, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। आठ, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। नौ, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। दस, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ग्यारह, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 अंश होता है। बारह, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 अंश हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। तेरह, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चौदह, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। पंद्रह, किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ उनके स्पर्श बिंदु पर बना कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्त खंड में बने कोण के बराबर होता है।